नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक ही पॉट में फ्रेंड्स मैं काफ़ी सारे वैरायटी के पौधे लगाने जा रही हूँ। और ये सारे पौधे जो है मेरे फ्री के ही है, घर पर ही इन्हें मैंने जो है कटिंग से तैयार करे। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, अभी जो है इनके देखिए पानी में जो ग्रो की है, पानी वाले में भी बहुत ज़्यादा जड़ें बन गई है। कुछ मैंने पेपर कप में किए थे तो पेपर कप वाले भी देखिए इस तरह से पेपर ख़राब हो रहे हैं। तो इन सबको जो है अभी मुझे लगाना था, तो मैं सोच रही थी फ्रेंड्स अलग अलग लगाने के बजाय मैं इन्हें एक ही पॉट में लगा देती हूँ। और काफ़ी अलग अलग कलर्स के आप देख रहे हो, बहुत ही सुंदर सुंदर वैरायटीज़ के ये प्लांट है, रंगी बिरंगे पत्तों वाले, तो इन्हें मैं एक ही पॉट में लगाने जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को रेडी कर लिया है। यहाँ पर मैंने वर्मी कंपोस्ट भी ले लिया है, नीम की खली और मिट्टी को भी ले लिया फ्रेंड्स, बोन मील पाउडर, और ये दो पॉट है फ्रेंड्स, इनको मैंने अच्छे से साफ कर लिया है। इसमें मैंने सीजनल वाले पौधे लगाए थे वो निकाल दिए हैं और अच्छे से ड्रेनेज होल को बना लिया, क्योंकि ड्रेनेज होल कम होने के कारण इसमें पानी रुक रहा था, तो फंगस के कारण मेरे प्लांट जो है ख़राब हो रहे थे। तो ड्रेनेज होल को आप अच्छे से बनाइए ताकि पानी खड़ा ना रहे, उसके कारण फंगस लगने के कारण भी हमारे पौधे ख़राब हो जाते। तो यहाँ पर जिस बाउल से मैंने वर्मी कंपोस्ट को डाला है फ्रेंड्स, उसी बाउल से मैंने चार गिनकर मिट्टी ली थी गार्डन की सॉइल, उसमें ऑलरेडी फ्रेंड्स रेत मिक्स है। और मैंने इसमें एक बाउल जो है वर्मी कंपोस्ट ले लिया है, और दो से तीन मुट्ठी इसमें नीम की खली है, और दो मुट्ठी मैंने इसमें बोन मिल पाउडर को मिलाकर इस तरह से मिट्टी को मैं तैयार कर रही हूँ फ्रेंड्स, देखिए। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं फंजीसाइड पाउडर को भी डाल दे रही हूँ फ्रेंड्स, सेफ साइड, ताकि किसी भी प्रकार का फंगस हमारी मिट्टी में ना लगे और हमारे जो पौधे हैं काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करें। जब भी आप नए जैसे प्लांट को रिपॉट करते हो तो आप उसमें फंजीसाइड पाउडर को ज़रूर ऐड करिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी मैंने ड्रेनेज होल को बनाए सबको इस तरह से ठीकरी देकर मैं इनको कवर कर ले रही हूँ। ये देखिए इस तरह से आप ड्रेनेज होल को कवर कर दीजिए ताकि बस हमारा जो है पानी नीचे गिरे, जो भी हम खाद और मिट्टी दें वो इसमें से बिल्कुल भी ना बहे। तो इस तरह से हम अच्छे से ठीकरे से कवर करने के बाद में फ्रेंड्स जो मिट्टी है उसको मैंने नीचे अच्छे से मिक्स कर लिया था, वो बाउल में मुझे अच्छे से मिक्स करके नहीं बन रहा था। तो मिक्स करने के बाद में देखिए इस तरह से मिट्टी को मैंने अच्छे से आधा ही भरूंगी फ्रेंड्स, पूरा नहीं, देखिए आधा इस तरह से भरने के बाद अच्छे से हम प्रेस कर लेंगे। सबसे पहले मैंने गोल्डन डस्ट क्रोटॉन है उसको ले लिया, इसको मैं लगाने जा रही हूँ फ्रेंड्स। और ये सारे जो पौधे आप देख रहे हो ये मेरे फ्री के ही पौधे हैं जिन्हें मैंने घर पर ही कटिंग से तैयार किए हैं। और देखिए नेक्स्ट है ये बेबी डॉल ड्रेसेना, देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत लग रहा है। और इनके आप कलर्स देख सकते हो फ्रेंड्स, कितने सुंदर सुंदर है, येलो, फिर फ्रेंड्स उसके बाद में पर्पल, और देखिए फ्रेंड्स ये वाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन। और ये पेडिलेंथस का प्लांट है फ्रेंड्स, जिसे डेविल बैकबोन भी बोलते हैं, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरह के रंगी बिरंगे पौधे एक ही पॉट में जब लगाते काफ़ी सुंदर ये लगते हैं। और ये जो मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, ये पर्शियन शील्ड है, और इसकी जो पत्तियाँ होती है फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर लगती है, मोर पंखी की तरह। और इसमें काफ़ी सारे कलर शेड होते हैं, इसमें फ्रेंड्स पर्पल, ग्रीन, वाइट, बहुत खूबसूरत। और ये जो सारे पौधे आप देख रहे हो फ्रेंड्स, और यहाँ पर जो मैंने पौधा निकाला है ये है प्रेयर प्लांट, ये कैलाथिया वेराइटी का है। तो ये सारे पौधे जो आप देख रहे हो फ्रेंड्स एक ही नेचर के, मतलब इन्हें कम धूप वाले ये पौधे हैं, इंडो प्लांट्स हैं। जैसे हम इन्हें 2 से 3 घंटे की सनलाइट में रखते तो काफ़ी आसानी से चल जाते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ये नियॉन पोथोस जो आता है, नियॉन मनी प्लांट, उसे मैं लगा रही हूँ सामने की तरफ। देखिए इस तरह से ये सामने की तरफ से ये लटकेगा, काफ़ी सुंदर लगेगा। और नेक्स्ट यहाँ पर मैं लगा रही हूँ फ्रेंड्स ये वेरीगेटेड स्नेक प्लांट, जिसे सेंसीवेरिया भी बोलते हैं, इसे मैंने सामने की तरफ लगा दिया है। और इधर एक और ये प्लांट देखिए फ्रेंड्स, अल्टरनेटा, जिसे रेड फ्लेम आईवी भी बोलते हैं, इसे मैंने आगे की तरफ लगा दिया। जो छोटे छोटे वाले जो प्लांट्स हैं उनको आगे की तरफ, जो बड़े प्लांट हैं उन्हें पीछे। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स ये ग्राफ्टोपैलम, ये भी काफ़ी बड़ा होता है। और जो मैं अभी लगा रही हूँ फ्रेंड्स वो रेक्स बिगोनिया है, और इस साइड मैंने ग्राफ्टोपैलम को लगा दिया। दोनों भी कलरफुल लीफ वाले प्लांट्स हैं। नेक्स्ट फिर मैंने लगा दिया फ्रेंड पर्शियन शील्ड। और यहाँ पर काफ़ी सारे पौधे मैंने एक ही पॉट में ग्रो करना बताया था फ्रेंड्स, तो उसमें सारी कटिंग्स मेरी ग्रो हो चुकी हैं। तो आप देख रहे हो ये एल्यूमिनियम का पौधा है, उसे मैंने सामने की तरफ लगा दिया। देखिए फ्रेंड्स उसकी भी पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत होती है, इसमें वाइट कलर के डॉट डॉट होते हैं। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आगे की तरफ जो है मैं ये क्रीपिंग चार्ली के जो वाइन मैंने ग्रो करी थी कटिंग से, देखिए फ्रेंड्स इस तरह से डिस्पोजेबल ग्लास में, तो उनको मैं सामने की तरफ लगा रही हूँ, क्योंकि पीछे की तरफ हमारे जो पौधे बड़े वाले बीच
में छोटे और सामने की तरफ इस तरह से लटकती हुए, ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा फ्रेंड्स जो ये पॉट पूरा बनने के बाद में। फिर मैंने इसमें कोलियस का भी लगा दिया, कोलियस भी काफ़ी सुंदर कलर्स ऐड करता है साइड में। फिर मैंने चाइनीज़ वॉयलेट को भी लगा दिया था। देखिए फ्रेंड्स बनने के बाद में कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और थोड़ी मैंने जगह खाली छोड़ी थी फ्रेंड्स, तो इसमें मैं ऊपर से और मिट्टी डाल दूँगी। अच्छे से मिट्टी इसमें भरने के बाद में जितने भी पौधे हैं फ्रेंड्स उनको दोबारा से मैं एक और बार अच्छे से उनको टाइटली अच्छे से फंसा दूँगी। उन सभी पौधों को अच्छे से मैं जमा दूंगी फ्रेंड्स। इस तरह से देखिए पूरे में अच्छे से मैंने मिट्टी को भर दिया है। बहुत ज़्यादा भी हमें टाइट नहीं भरना है, हल्का हल्का हम जैसे इन पौधों को सबको सेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से फ्रेंड्स जब ये बड़े हो जाएंगे अच्छे से सेट हो जाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ये मेरे पास में सीडम के भी कुछ कटिंग्स मैंने ग्रो करके रखे थे फ्रेंड्स, तो उन्हें भी मैं इसमें लगा देती हूँ। थोड़ी यहाँ पर मुझे जगह दिख रही थी तो देखिए इस साइड में, क्योंकि ये भी जब बड़े हो जाएंगे और ये फ्रेंड्स लटकते हुए इतने सुंदर लगेंगे ये। और देखिए यहाँ पर इस वाले पॉट में मैंने दोनों तरफ जैसे इनको मैं लगाने जा रही हूँ, देखिए इस साइड भी और इधर साइड भी, बहुत खूबसूरत लगते हैं ये सीडम के पौधे जब बड़े हो जाते हैं और पूरे ही हमारे पॉट को जो है फ्रेंड्स धीरे धीरे ये कवर कर लेते हैं। और अच्छे से हम इनको पानी दे देंगे। पानी फ्रेंड्स हमें जब तक देना है, नीचे से ड्रेनेज होल से निकालने तक हमें एक बार में अच्छे से पानी देना है। जब नेक्स्ट हम पानी देंगे फ्रेंड्स हल्की सी मिट्टी ड्राई लगेगी तभी हम इसमें पानी देंगे। ओवर वाटरिंग नहीं करना है, डेली वाटरिंग नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स नीचे ये पानी हमारा आ चुका है तो इस तरह से, और ऊपर से भी मैं अच्छे से स्प्रे बॉटल से इन पर स्प्रे कर दूँगी फ्रेंड्स, ताकि जितनी भी इनमें डस्ट मिट्टी वगैरह जो भी लगी होंगी वो पूरे तरह से फ्रेंड धुल जाएंगी। अच्छे से मैं इनको जो है स्प्रे बॉटल से इनको मैं अच्छे से वॉश कर ले रही हूँ। ये देखिए, और दिखने के बाद में देखिए फ्रेंड्स इनको अभी मैंने टोटल शेड एरिया में रख दिया। इधर मेरे सारे इंडोर प्लांट्स रखे हैं और देखिए फ्रेंड्स कितने सुंदर लग रहे हैं ये एक ही पॉट में, ये सारे कलरफुल पौधे। और ये सारे ही पौधे मैंने इनको घर पर ही कटिंग से रेडी किया है, मुझे बिल्कुल भी इन्हें मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और आप देख सकते हो फ्रेंड्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये पौधे, ये देखिए। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं अभी इनको 4 से 5 दिन शेड एरिया में रहने दूँगी, उसके बाद में फ्रेंड्स ऐसी जगह पर रखूँगी जहाँ इन्हें 1 से 2 घंटे की सनलाइट मिल सके। तो इसमें से फ्रेंड्स कुछ पौधों की हाइट जैसे ज़्यादा, जैसे कि कोलियस है ये लंबा लंबा ही बढ़ता है, तो इसे हम इस तरह से प्रून करते रहेंगे तो ये काफ़ी बुशी बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर पर्शियन शील्ड है, इसे भी मैं कट कर दूँगी तो उसमें से भी 2-3 ब्रांचेस निकल आएगी। पेटिलंथस है, गोल्डन डस्ट क्रोटॉन है, इनका हम हल्का हल्का प्रून करते रहेंगे तो ये पौधे काफ़ी बुशी भी बने रहेंगे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स बनने के बाद में ये दोनों भी पॉट कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो आज के वीडियो में मुझे फ्रेंड्स आपसे यही शेयर करना था कि एक ही पॉट में अभी हम काफ़ी सारे पौधे और कलरफुल पौधे हम ग्रो कर सकते हैं। तो मेरी आज की जानकारी फ्रेंड्स आपको कैसी लगी तो मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। बाय फ्रेंड, टेक केयर।